बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खाड़ा, में हूं आपके साथ शिल्पा। पाकिस्तान में इमरान खान का हाल वैसा ही होगा जैसा पिछले कई राजनेताओं के साथ जिन्ना के उस मुल्क में अब तक होता आया है। शायद ये आतंकिस्तान की कड़वी हकीकत रही है और इतिहास भी। अगर पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर निगाह डाले तो पाकिस्तान पूरी तरह से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। मामला कब हाथ से निकल जाएगा कोई नहीं जानता। इमरान अगर जेल गए तो उनकी पार्टी पहले से ही ऑलरेडी हिंसक है और ज्यादा हो जाएगी। इन सब के बीच एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि क्या फौज के बूतों तले पाकिस्तान का भविष्य फिर से जाने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर करेंगे बात। पाकिस्तान की एक तस्वीर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है जब शहबाज शरीफ की पार्टी के कार्यकर्ता देश की शीर्ष अदालत की चौखट को पार करते हुए उसके एक आदेश के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और उसका नेतृत्व मरियम नवाज कर रही हैं। शहबाज सरकार मुल्क के सर्वोच्च न्यायाधीश को हटाने पर आमादा है जिसने इमरान खान को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। इमरान खान को जिस दिन घसीट कर पाक रेंजर्स अदालत के बाहर लेकर गए थे उस दिन जो हिंसा हुई उसी दिन ये लगने लगा था कि पाकिस्तान एक बार फिर से सिविल वॉर की भेंट चढ़ने जा रहा है। राहत मिलते ही इमरान नियाजी यानी खान साहब ने गिरफ्तारी को लेकर अपनी आपबीती तो बताई ही, साथ ही फौज के खिलाफ अपनी पूरी भड़ास भी निकाल दी। फौज को एक बार फिर से अपने रडार पर लेते हुए इमरान खान ने कहा उनको दोगला कहा गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन किया। कि मैं एक तरफ कहता हूँ फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूँ या जो भी बुरा भला कहता हूँ। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितने मैंने पहुँचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारे गया जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। फौज पर बोलते बोलते इमरान खान साल 1971 तक चले गए और कह गए कि उन्होंने अपनी आंखों से बांग्लादेश बनते देखा और देश की 90,000 फौज को भारत के आगे सरेंडर करते भी। मैं आज फिर से याद कराना चाहता हूं ईस्ट पाकिस्तान का, मेरी जिंदगी में हुआ ईस्ट पाकिस्तान। मार्च 1971 के अंदर मैं वहां मैच खेलने गया था ईस्ट पाकिस्तान की अंडर-19 के खिलाफ। हमारा जो जहाज वापस आया था वो आखिरी था। मुझे अभी भी याद है कि कितनी नफरत हो गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। हमें तो यह पता ही नहीं था, इसी तरह जिस तरह आज मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं तब ये मीडिया कंट्रोल कर रहे थे। फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया है और इन्होंने सोशल मीडिया ही बंद कर दिया। हालांकि पाकिस्तान में इमरान को लेकर चल रहा बवाल ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला। पाकिस्तान की संसद में तो इमरान खान को गद्दार करार देते हुए सरेआम फांसी देने तक की मांग की गई। ट्रेंड लोगों ने जो अफगानिस्तान से आए हुए थे, जो पुलिस पे पेट्रोल बम फेंकते थे, फायरिंग करते थे, उन्होंने जिस तरह जना हाउस को जलाया, तशरीफ रखें जी लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिस तरह हमारे वो जहाज जनाब स्पीकर जिनको आज तक इंडिया गिरा नहीं सका, जिनको आज तक इंडिया फायर नहीं कर सका, इन कमबख्तों ने, इन मुल्क दुश्मनों ने, इन गद्दारों ने, ये जो इसराइल के एजेंट हैं, ये जो यहूदी हैं, इन्होंने उन हथियारों को भी जनाब स्पीकर आग लगा दी। मियां अली में जावर को आग लगा दी, इन्होंने वो कुछ कर दिया जो आज तक जनाब स्पीकर इंडिया नहीं कर सका, जो आज तक तालिबान नहीं कर सके। इस इंतशार और फितने और यहूदी एजेंट और पाकिस्तान को तोड़ने वाले इमरान खान के पुजारियों और फितनों ने उनकी जो बेहरमती की है जनाब स्पीकर, इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। आने वाले समय में पाकिस्तान में हालात और बिगड़ते जाएंगे। इन सबके बीच भारत लगातार अपने चालबाज पड़ोसी की हर चाल पर नजर बनाए हुए है। आतंक को पालने वाला और दुनिया के लिए नासूर बन चुके पाकिस्तान की ये हालत उसी के हुक्मरानों ने की है।
जिसमें पहले कोई हुक्मरान जला तो आज इमरान की बारी है और शायद यही इस मुल्क की नियति भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीम। ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन पाकिस्तान में जारी बवाल कैसे थमेगा, सबसे बड़ा सवाल। इमरान खान को फांसी की मांग, कब तक जलेगा पाकिस्तान। बुशरा को मिली जमानत, लेकिन इमरान का क्या होगा, इमरान की क्या होगी हालत। मुशर्रफ बनेंगे मुनीर, क्या फौज लिखेगी पाकिस्तान की जनता की तकदीर। आज नहीं, तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से पैनल का तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जे एस ओढ़ी साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ वी एन झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार हमारे साथ मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी झा साहब आप ही के साथ। पाकिस्तान में जिस तरह से आग लगी हुई है, पूरा मुल्क जलता नजर आ रहा है और इसी बीच इमरान खान को सार्वजनिक तौर पर फांसी की मांग, कैसे थमेगा ये बवाल सर? बिल्कुल, आग तो लगी हुई है दोनों मामलों में, एक तो फिजिकली भी आग लगी हुई है और एक रूहानी तौर से भी आग लगी हुई है, क्योंकि सब कुछ सब कोई जल रहे हैं उसमें। और उस जलने में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को वो उसकी साख की हो रही है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसकी सरेआम पाकिस्तानी सरकार, उसके मिनिस्टर्स, उसके प्रधानमंत्री सब थू-थू कर रहे हैं पाकिस्तानी चीफ जस्टिस को। इसके साथ ही जो एक वहां पे जो लीगल सिस्टम का एबॉर्शन हो रहा है वहां पे, वो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आज के दिन में वहां पे कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। लोग पाकिस्तान के जो जो नेता है उन्हीं अपने ऊपर ही, इमरान खान के ऊपर में जो जो एफआईआर ऐसे दर्ज करते हैं जैसे ये अमरूद बांटना होता है, इस तरह से उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, हजारों के हजार जो जो है वो एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में कोई साख नहीं बची वहां पे, क्योंकि एक तरफ में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो बिना किसी एफआईआर को सुनवाई किए ही उसके ऊपर में कही जाती कि नहीं, इसके ऊपर में आप अरेस्ट नहीं करना, और दूसरी तरफ इस तरह के जो हैं वो एफआईआर दर्ज होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज वहां पे एक है जो इमरान खान के लिए आने वाले वक्तों में होने वाली है, वो ये कि जो वहां पे ट्रेजन चार्जे हैं, देशद्रोह के चार्जेस हैं, खास करके दो, एक तो जो पाकिस्तानी सेना के ऊपर में जो हमला किया है पीटीआई के लोगों ने, एक तो वो है, और दूसरा इमरान खान ने अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो पार्टी के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनको कहा था कि तुम सड़क पे आ जाओ क्योंकि मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, तुम उसको रोको। ये दो जो हैं ये जबरदस्त चार्जेस हैं, इसमें इमरान खान कुछ भी कर ले, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ भी कर ले, क्योंकि चीफ जस्टिस को भी अपने पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं न्याय कर। और देखिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ही मुश्किलात बढ़ती हुई क्योंकि उनके खिलाफ बकायदा प्रस्ताव पेश किया गया है, उन्हें हटाने की कवायद वहां पर चल रही है, शहबाज सरकार तुली हुई है उन्हें हटाने के लिए। और ये खुले आम वहां पे तो पब्लिक एड्रेस में शहबाज सरकार ने ये चीज कहा हुआ है। तो वहां पे आज के दिन सबों की साख जो है वो दांव पे है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वहां पे जो आईएसआई चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इमरान खान हो, या फिर आज के दिन का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, सबों की जो साख है सब दांव पे लगी हुई है। पाकिस्तान अभी सबसे बुरी हालत में है। सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी साहब, पाकिस्तान अपने ही खोदे गड्ढे में खुद जा गिरा और अभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही है, चाहे वो आर्थिक तौर पर देख ले, जबरदस्त तरीके से संकट में घिरा हुआ, सियासी संकट में घिरा हुआ, लगातार वहां पर बगावत सेना के हाथ में कमान जाती हुई, या फिर यूं कहा जाए कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जिस तरह से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट तक प्रदर्शनकारी किस तरह से जा पहुंचे, हंगामा करते नजर आए, हुड़दंग करते नजर आए, क्या होने वाला है पाकिस्तान का, खत्म है? जय शिल्पा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया देश बनके उभरा, तब दोनों देश की तिजोरियां खाली थी, अगर पैसे भी था थोड़ा बहुत तो बराबर का था, जो कुछ भी खास नहीं था। 1960 में पाकिस्तान की
आर्थिक हालत भारत की आर्थिक हालत से अच्छी थी, उनकी पर कैपिटल जीडीपी 83.3 यूएस डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 यूएस डॉलर थी। लेकिन 1960 से 2023 में क्या बदला कि आज पाकिस्तान आर्थिक राजनीतिक कंकाली की तरफ बढ़ चुका है और भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और हर बड़ा देश दुनिया में भारत को इज्जत देता है। इसका जवाब मैं दो ही शब्दों में दूंगा, पाकिस्तान की गलत नियत और नीतियां। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके लिए पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना तीनों की बराबर की जिम्मेवारी है, क्योंकि पाकिस्तान जब बना 1947 में तो वो भारत विरोधी नीतियों पे बना और हिंदू विरोधी हेट्रेड पे बना, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। क्योंकि किसी भी आदमी में अगर इतना जहर घोला जाए वो एक दिन अपने आप ही वो भस्म हो जाता है और यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। जब से पाकिस्तान देश बना तब से कुछ राजनीतिक नेताओं ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के बारे में टिप्पणियां की, लेकिन या तो उन्हें फौरन चुप करा दिया गया या उन्हें मार दिया गया, जैसे बेनजीर भुट्टो या जुल्फिकर अली भुट्टो। लेकिन पिछले एक साल एक महीने से, जब से इमरान खान ने पिछले साल 10 अप्रैल को इस्तीफा दिया, तब से लेके आज तक वो लगातार पाकिस्तान को आड़े हाथ ले रहा है और पाकिस्तान सेना की जो बुखलाहट है वो बढ़ रही है। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कोई संस्था है तो वो पाकिस्तानी सेना है। पाकिस्तान की 12% जमीन पे पाकिस्तानी सेना का मालिकान हक है और पाकिस्तानी सेना का बिजनेस इंटरेस्ट 100 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इस सबको इमरान खान ने ललकारा है। पाकिस्तानी सेना चाहती किसी तरह पाकिस्तान में जो इलेक्शंस अगस्त में होने हैं वो किसी तरह अक्टूबर तक टाले जाएं, क्योंकि 9 सितंबर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी रिटायर हो रहे हैं और 16 सितंबर को पाकिस्तानी चीफ जस्टिस बंडियाल रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन उससे पहले होते हैं तो ये निश्चित है कि इमरान खान जीत जाएगा और ये पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आने वाले समय में दो ही विकल्प हैं पाकिस्तान में, या गृह युद्ध या फिर इमरान खान की हत्या। अच्छा, क्या वाकई में इस तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ? अमिताभ कुमार जी, पाकिस्तान में अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और पाकिस्तान में कोई कुछ संभालने की स्थिति में नहीं है। हालात बहुत खराब है और वहां का नेतृत्व जो है वो खुद भी अभी बहुत ही अपूर्ण लोगों के हाथों में है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि स्थिति को किस तरीके से हैंडल किया जाए, संभाला कैसे जाए, जो सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर राजनीतिक नेतृत्व जो है वो निंदा प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है या उनको हटाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी जो है एक बहुत ही मतलब कि गड़बड़ बात है। सीधी सीधी बात कहूँ, किसी भी देश के लिए ये बहुत गड़बड़ बात है कि इस तरह जो तीन संस्थाएं जो हैं वो आपस में लड़ पड़े, तो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करें इमरान के मुद्दे को लेकर के, तो अब व्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। गृह युद्ध तो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है आप कह सकते हैं, क्योंकि इमरान के समर्थक जो है वो मान नहीं रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से जो है वो हर चीजों को नष्ट कर रहे हैं और किसी भी तरह अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जबकि जो सत्ता पक्ष है, अभी सत्ता में बैठा हुआ है, वह अपने हिसाब से काम करना चाह रहा है, जिसको कि इमरान के समर्थक काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। अब जब कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कोई भी निर्णय लिया है, तो इनको जो है कि कोर्ट के रास्ते से ही इमरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए जैसा कि मैं समझता हूँ। लेकिन ये जो कर रहे हैं, जिस तरीके से न्यायालय पे ही आरोप लगा लिया, न्यायाधीश को ही हटाने की कोशिश जब कर रहे हैं, तो इससे और स्थितियां बिगड़ेंगी और खराब होंगी। लोगों का विश्वास जो है, जो भी थोड़ा बहुत जो प्रशासन पे शासन पे विश्वास है, वो खत्म होगा और उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वैसे भी वहां पे संविधान वगैरह को लोग ज्यादा नहीं मानते हैं, वो शरिया और धार्मिक जो ये है आधार जो है उसी के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था में तो बहुत ही गड़बड़ होगा। सबको पता है कि दुनिया भर में कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में आतंकवादी संगठन भी हैं,
तो बहुत ही वल्नरेबल मतलब बारूद की ढेर पे पाकिस्तान बैठा हुआ है और जगह जगह जो चिंगारियां भड़क रही हैं, ये कब बुरी तरह आग बन के फैल जाए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बहुत ही बुरी अवस्था है अभी पाकिस्तान, हो सकता है गृह युद्ध के इसमें पड़ ही जाए, बहुत बुरी अवस्था है। और देखें ना किस तरह से पाकिस्तान की संसद वहां का सियासी अखाड़ा बन चुका है। जाहिर तौर पर यहां पर अगर सार्वजनिक तौर पर इमरान खान को फांसी देने की मांग हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी गई है और वो भी वहां की सरकार है, पर ऐसे में जाहिर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हालात वहां पर क्रिटिकल होते हुए। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इंदुकान, देखिए अब फिलहाल बुशरा बेगम को तो जमानत मिल गई है, लेकिन इमरान खान का क्या होगा? और इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर जमानत तक, उस दिन से आज तक पाकिस्तान जिस तरह से धधक रहा है, क्या होने वाला है? जी शिल्पा जी नमस्कार। हमारे जितने भी को पैनलिस्ट हैं, झा साहब, सोडी साहब और अमिताभ जी को मेरा नमस्कार। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता ऐसी स्थितियों में और ऐसे लोगों पर बिल्कुल सुटेबली फिट होती है शिल्पा जी, कि जब विनाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। आप देखिए पूरे राष्ट्र में जो भी सरकार की एजेंसीज है, डेमोक्रेसी के जितने भी मुख्य अंग होते हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका, तीनों का कामकाज आप देख लें तो जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, तीनों के कामकाज में न तो कोई सामंजस्य है, तीनों ही उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। आप देखें कि चीफ जस्टिस को किस तरह से उन्होंने बुला करके पूरी सरकार की इच्छा और उनकी कार्यवाही के खिलाफ जा करके और उन्हीं के हाई कोर्ट, उन्हीं के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के खिलाफ जा करके, जो संवैधानिक संस्थाएं वहां की हैं, और उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ वे जा करके जिस तरह से जमानत दी इमरान खान को, और जमानत देने के दौरान उन्होंने कहा क्या टिप्पणी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शिल्पा जी, कि बहुत देश को बर्बाद कर चुका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अच्छा। तो अभी तक क्या सो रहे थे चीफ जस्टिस साहब? उनकी नींद से जगने का समय तभी आया जब इमरान खान जाल में फंसे, जब इसके पहले तमाम सालों से लोग फंस रहे थे इस जाल में और एनएबी के चक्कर काट रहे थे और उन्हें बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जो कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पे उनको फंसा दिया जाता था, हैंग कर दिया जाता था, जेल में भेज दिया जाता था, तब सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आया कि एनएबी की क्या भूमिका देश में है। तो सुप्रीम कोर्ट तक जिस देश में इस तरह की वाहियात हरकतें करता हो तो वहां पे आप क्या कल्पना करेंगे। कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को जब एक ही उल्लू काफी है, तो जब हर शाख में उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। तो आज जो कह रहे थे झा साहब, बहुत सही कह रहे थे कि कितनी तरह की मार पड़ी हुई है पाकिस्तान को, पेट की आग लगी हुई है, समझी हुई है, पूरी व्यवस्था की आग लगी हुई है, किस किस से बचाएंगे उसको। तो मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है शिल्पा जी। और सिर्फ एक बात अगर आप समय दे तो और ऐड कर दूं कि देखिए इसके मूल में क्या बात थी। जिन्ना के कहने पे पाकिस्तान और भारत का डिवीजन हुआ उनकी जिद पे, और जिन्ना की ये हालत हुई भारत से पाकिस्तान के डिवीजन कराने के बाद कि कुछ चंद महीनों के बाद, एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं पद्मश्री बलवीर दत्त, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि चंद महीने बीते तो वो अपने देश में उनके इतने दुर्दिन आ गए कि जिन्ना ने कहा कि मैं जा रहा हूं गांधी के पास और नेहरू के पास कि फिर से एक कर दो, हमसे गलती होगी, भारी भूल होगी कि हमने पाकिस्तान का डिवीजन करा के पाकिस्तान बनाया। और वो जिन्ना इस्लाम के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, पाकिस्तान बना। और जो इस्लाम के जो मूल धर्म होते हैं, सिगरेट न पीना, शराब न पीना, कम से कम नमाज अदा करना, ये कोई काम नहीं करते थे, सिगरेट और शराब में डूबे रहते थे परमानेंट, उस जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो इस देश का यही हश्र होना था शिल्पा जी। जी जो हश्र हो रहा है जिस तरह से ये जल रहा है, लेकिन देखिए झा साहब, इसका किस हद तक भारत पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ, भारत भी लगातार पैनी नजर बनाए हुए है कि पाकिस्तान में ये क्या कुछ चल रहा है, किस दिशा में पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमें अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? देखिए शिल्पा, नेबर आप चूज नहीं करते हैं, नेबर आपका जो है वो कुदरती है। हाँ। तो एक अनस्टेबल नेबर
बहुत ही खतरनाक है, वो भी ऐसा नेबर, ऐसा अनस्टेबल नेबर जहाँ पे कि जिहाद सरेआम पनप रही है, जहाँ पे कि एटमी हथियार है, और कल को खुदा ने खासता अगर डर इसी बात का सर कि अगर कोई प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच गया एटमिक हथियार को अगर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उसका मिसयूज करने की कोशिश की तो क्या होगा? देखिए शिल्पा, इतना आसान नहीं होता, ये न्यूक्लियर जो आर्सेनल होते हैं ना, जो आजकल के जो दिन में होती है, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड होती हैं, ये बहुत सारे इसमें कंप्यूटराइज कंट्रोल ऐसे होते हैं कि ये आप आम आदमी इसको नहीं चला सकता है, इसको कुछ नहीं कर सकता है, वो उसके लिए किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर आर्सेनल तो है, और ये सब चीजें जब एक अनस्टेबल कंट्री है जो कि हमारे पीछे हमारे अगेंस्ट पिछले 5 दशकों से ये जिहाद छेड़े हुए है किसी न किसी तरह से, तो ये एक बुरी परिस्थिति है भारत के लिए। अच्छा। भारत को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। हाँ। और ये भी याद रखें कि वहां का सेना जो है आज के दिन में वो सक्षम नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई भी जंग या कुछ ऐसा जो मोटिव है वो चला सके। अच्छा। हाँ, वहां का जो फोर्थ विंग ऑफ आर्म फोर्सेस उनका है, वो जिहादिस्ट, वहां पे 34 तंजीम है जिहाद के, जो के सिर्फ उनका यही है, टेररिज्म का पेशा है, उसको वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आज के दिन में उनको अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी है, खाने के लाले पड़े हुए। लेकिन सर इसी को लेकर देखिए, अमेरिका ने जिस तरह से स्नैच एंड ग्रैब पॉलिसी अपनाई थी, तो उसका भी तो खतरा है ना यहाँ पे। वो सारे खतरे हैं, लेकिन हाँ। देखिए वापिस आते हैं हम लोग कि पाकिस्तान आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये जा कहाँ रहा है। देखिए जब इमरान खान को जमानत मिली थी भी 3 दिन पहले, फिर भी बाहर आने के बाद उसने अपने जो समर्थक है उनको यही कहा था कि तुम अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है, उसको जारी रखो। अगर कल के दिन में अगर सेना के ऊपर में फिर से, देखिए आज के दिन में वहां पे पाकिस्तानी सेना में भी फूट पड़ी हुई है। हाँ। कोर कमांडर को जो जैसे रिपोर्ट आई हुई है उसको बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उसने एक्शन नहीं लिया था पीटीआई के जो दंगेबाज थे उनके खिलाफ में। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में हो रही है, सेना अनस्टेबल है, जुडिशरी अनस्टेबल है, गवर्नमेंट अनस्टेबल है, खाने के लिए वहां पे कुछ नहीं है, पाकिस्तान ब्रिंक पे है, और इमरान खान धमकी दे रहा है कि जैसे बांग्लादेश टूटा है इसी तरह पाकिस्तान भी टूटेगा। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं, ये सारे उसके प्रतिकूल हैं, सारे उसके विपरीत हैं। तो इसके अवैज में आगे क्या होता है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के दिन में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति में है जिससे इसको उभरना बहुत भारी लेकिन पड़ेगा। लेकिन कौन ज्यादा जिम्मेदार, पीटीआई यानी कि इमरान खान या फिर वहां की शहबाज सरकार? सॉरी साहब, शिल्पा जी, अगर एक संस्था पे जिम्मेवारी डालनी है पाकिस्तान की दुर्दशा की, वो है पाकिस्तानी सेना। अच्छा। क्योंकि कोई भी सेना होती है देश के लिए, हाँ। वो हमेशा अगर अपॉलिटिकल और सेक्युलर होगी तो उसकी देश में नहीं उसकी दुनिया में इज्जत होगी। आप भारतीय सेना का एग्जाम्पल लीजिए, भारतीय सेना के खिलाफ कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ क्योंकि हमारी सेना अपॉलिटिकल है और सेक्युलर है, लेकिन पाकिस्तानी सेना पोलराइज्ड है और पॉलिटिकल है, और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना 1947 से लेकर आज तक इसने पाकिस्तान की 3 अहम चीजों पे पूरा अपना नियंत्रण रखा हुआ है, पाकिस्तान की रक्षा नीतियों पे, पाकिस्तान की विदेश नीतियों पे, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष कॉरपोरेट पाकिस्तान का डी फैक्टो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी थोड़ा तेल से नमक से स्टील बनता है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ होता है उनके फौजी फाउंडेशंस के जरिए। तो पाकिस्तान में पर भी परिंदा नहीं मार सकता अगर वहां पे सेना अध्यक्ष की अप्रूवल ना हो। हमने देखा कि पिछले साल जब जनरल कमार बाजवा जो सेना अध्यक्ष थे पाकिस्तानी सेना के, जब वो पेंटागन गए, वॉशिंगटन गए, उन्हें ऑनर कॉर्डन दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद जब बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जब वो वॉशिंगटन गए, उन्हें ऑनर कॉर्डन नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान में कोई भी बड़ा नेता आता है दुनिया का, वो पहले सेना अध्यक्ष से मिलता है। तो पूरी जो ये कंट्रोल है नियंत्रण का, वो सेना ने अपने हाथ में 1947 से रखा हुआ है, और यही कारण है कि वहां की आवाम जो आज सड़कों पर आई है। इमरान खान तो एक मुद्दा है, लेकिन एक अहम मुद्दा है कि उनके पेट अब खाली हो चुके हैं। देखिए शिल्पा जी, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो स्ट्रॉबेरी समर है, वहां पे जो आटा है वो 310 रुपए पाकिस्तानी रुपीस पर केजी है, और जो कोर कमांडर के घर से फ्रिज से भर भर के स्ट्रॉबेरीज निकली वो 410 रुपए पाकिस्तानी रुपीस पर केजी है। तो जहां पे एक तरफ खाने के लिए आटा नहीं है,
वहां पे पाकिस्तानी जनरलों के फ्रिज में महंगी स्ट्रॉबेरियां भरी हुई हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ये पाकिस्तान के अपने ही कर्म जो इस समय वो भुगत रहा है, या यूं कहा जाए अमिताभ कुमार जी की वहां की जनता भुगत रही है। भुगत तो जनता ही रही है, क्योंकि सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जब सरकार ही अनैतिक तरीके से काम करेगी तो दूसरे के ऊपर क्या दोष दिया जाए। तो ऐसे में अमिताभ जी, देखिए मैं समझना चाहूंगी कि ये जनता का गुस्सा क्या सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर, या जैसा कि अभी अभी सोनी साहब ने कहा कि दरअसल वो त्रस्त आ चुके हैं वहां की सरकार से, और इस वजह से इमरान खान के बहाने वो अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, मजबूर है, विकल्प नहीं है। बिल्कुल ये संभव है, लेकिन वहां पे भी ना बहुत पार्टी बंदी है, और बड़ा ही जो इमरान के समर्थक है वो पूरी तरह मतलब जो है इमरान के गलत सही किसी हर चीज को नजरअंदाज करके इमरान जो कहते हैं जो करते हैं वो सही है ऐसा मान करके वो चाहते हैं कि इमरान ने जो कह दिया वही होना चाहिए। उस देश की जो सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो कोई भी संविधान नियम कानून मानने वाले लोग नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, सब अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यही सब होगा जो आज हमारे सामने हो रहा है। सरकार ने भी अपनी मर्जी करने की कोशिश की, गलत तरीके से गिरफ्तार किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उस पर दिखाया, तेजी दिखाई और इमरान को ये कर दिया है। इन सब के पीछे ये बात भी सही है कि सेना का हाथ है, सेना को बहुत ही डर है, और मुझे भी लगता है कि अगर इलेक्शन हो और इमरान जीत जाते हैं तो इमरान इस बार जो है पूरे फॉर्म में वापस आएंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान में सेना जो है उसको उसके हदों में सीमित करने की कोशिश करेंगे, दायरा में लाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है अच्छा ही होगा, क्योंकि सेना की वजह से पाकिस्तान की राजनीति, और इसी बौखलाहट की वजह से सेना शहबाज सरकार के साथ मिलकर इस तरह से इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश करी, तो पाकिस्तान के जलते सुलगते सियासी संकट के बीच जो वहां की तस्वीर नजर आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि अदालत का पूरा पूरा समर्थन चाहे एक तरफ इमरान खान को मिलता हुआ तो दूसरी तरफ सेना और शहबाज सरकार एक साथ वहां पर इमरान खान को हर हालत में नाको चलने चबाने के लिए मानो कसम खाई बैठी है। इस बीच पाकिस्तान किस तरह के हालात हुए क्यों, इस पर मरियम नवाज ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। सिर्फ एक शख्स की जान बचाने के लिए कानून से ये पूरा का पूरा खेल रचाया जा रहा है, और पूरी स्टेट जो है वो हॉस्टेज बनी। तो सुना आपने मरियम नवाज का साफ कहना है कि सिर्फ एक शख्स की जान बचाने के लिए पूरे स्टेट को, पूरे पाकिस्तान को होस्टेज बना दिया गया है, बंधक बना दिया गया है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, यानी कि ये साफ साफ आरोप लगा रही हैं कि भाई एक शख्स की वजह से पूरा मुल्क जलता हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगार को सपोर्ट किया, इसी वजह से यहां पर इतना बवाल मचा। शिल्पा जी देखिए, इसके तो कई सारे ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं और प्रमाण भी सामने आए हैं। आपने देखा होगा कई पाकिस्तानी चैनल्स पे ऐसी रिकॉर्डिंग भी सामने पेश की है वहां की सरकार ने कई माध्यमों से, जिसमें चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को सेट करने का, फिक्स करने की बात एक महिला कर रही है इमरान खान से डायरेक्ट फोन पे, उसकी रिकॉर्डिंग लीक हुई है, सरकार ने ऑब्वियसली करवाया होगा। तो जिस देश में इस तरह की न्याय प्रणाली हो जाए जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो आरोपी हैं उसके पक्ष में खड़े हो जाएं बिना तर्क के, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के, और सरकार हर हाल में किसी भी कीमत पर अपने मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता को गिरफ्तार करने के लिए लग जाए, और देश में लोगों को दाल चावल रोटी मुहाल हो जाए, न मिले, तो आप सोचिए उसका क्या हिसाब किताब होगा। और सचमुच में बड़ा तकलीफ होता है कि जो हमारा हिस्सा था कल तक, जो भारत का ही एक हिस्सा था, हमारा हिंदुस्तान था, उसके लोग इस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इतना दर्द और जलालत उनको झेलनी पड़ रही है। तो आप देखिए, एक तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक ने उनको जो लोन नहीं दिया, राहत नहीं दी, अब तो वो स्वयं राहत के साथ महसूस कर रहे होंगे कि अगर हमने कुछ उनको दिया होता
तो वो भी लुट पिट गया होता है सिस्टम में। देने की कोई बात बन भी रही थी उनको, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जो उनके पास विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया था, अब वो भी देने की संभावना दूर दूर तक नहीं। बिल्कुल। अब आप जिस तरह का आपस में ठनी हुई है इमरान खान की पार्टी और सत्ताधारी दलों के गठबंधन में, मतलब इससे ईश्वर ही बचा सकता है पाकिस्तान को, नहीं तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। और ये देखकर सचमुच जो मैंने रामधारी सिंह दिनकर, लेकिन ये सेना की बौखलाहट क्या कोट किया डॉक्टर इंदुकान दीक्षित कि जिस वजह से पूरे के पूरे मुल्क को इस तरह से गर्त में धकेल दिया गया। सेना को डर इसी बात का कि अगर चुनाव हो जाते हैं, इमरान खान अगर जीतकर आ जाते हैं, तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए सेना से कहीं ज्यादा, सेना के पास तो इतने वहां पे अधिकार हैं। मैं इस बात से व्यक्तिगत तौर पे कभी सहमत नहीं हूं कि सेना अगर चाह जाए तो दो दिन में वहां मार्शल लॉ लागू कर दे। और ये इतिहास है पाकिस्तान का कि जो भी शासक वहां पे विद्रोह करके सैन्य शासन स्थापित किया, उसको क्या किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी डेमोक्रेटिक सरकार से कोई राय ही नहीं पड़ी? उसने विद्रोह किया और शासन कर लिया। जियाउल हक क्या कोई भूल गए हैं आप लोग? अभी मुशर्रफ जी को भूल गए? कैसे शरीफ की सरकार को उन्होंने दरकिनार करके और उनको बिना बताए कारगिल किया, भारत से दुश्मनी साधी, और किस हालात में आज उसी के कारण पाकिस्तान पहुंच गया। तो सेना तो जिस दिन चाहे कर लेंगे, बाकी हम लोग समीक्षा करते रहते हैं। मुख्य बात है कि वहां पे जो वहां की चुनी हुई सो कॉल्ड सरकार है, वो सरकार जिस तरह से दुश्मनी साधने में अपने विपक्ष के नेता से लगी है, नवाज शरीफ को जेल में भेजने का बदला इमरान खान से साधने के लिए हर कीमत पर जुटी हुई है, तो इसमें लगता है कि जनता के हित या जनता के दर्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। अरे अगर आपको लगता है कि आपकी चालें कामयाब नहीं हुई, आपको लगता है कि पाकिस्तान की कोर्ट्स में, जैसा झा साहब ठीक कर रहे थे, सोढ़ी साहब भी ठीक कर रहे थे, कि आपने लीगली सिस्टम के माध्यम से उनको जेल में नहीं डलवा पाया, अच्छा, तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच करके अपनी सरकार का सुशासन स्थापित करिए और बाद में ये काम कर लीजिएगा। लेकिन इतनी हड़बड़ी दिख रही है सरकार में कि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो जब चाहे तब वो बस केवल इमरान खान को कैसे कैच कर लिया जाए, यानी कि ईगो की लड़ाई, ये सियासी लड़ाई पूरे के पूरे मुल्क को आग में धकेलती हुई। सॉरी साहब, लेकिन वहां के लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी क्या गलती है? और वो जिस तरह से, देखिए ना, उनका पेट भूखा है, पेट के जाले झाड़ने तक के उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, वो क्या करे? शिल्पा जी, मेरी व्यक्तिगत राय है, पाकिस्तान में हर नागरिक जिम्मेवार है, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान एक देश बना तो वो भारत की नफरत पे, हिंदुओं की नफरत पे अलग देश बना, और हर पाकिस्तानी नागरिक के रोम रोम में, खून खून में भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां हैं। और इतने साल तक, 75-74 साल तक पाकिस्तानी अवाम ने कभी आवाज नहीं उठाई। वो तालियां मारते थे जब भारत में पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट यहां पे अटैक करते थे, वहां के अखबारों में, वहां के टीवी चैनल में खुशी की लहर झूमती थी कि भारत में ऐसा अटैक हो गया है। तो मैं तो, मेरी हमदर्दी किसी पाकिस्तानी नागरिक के साथ नहीं है, ना पाकिस्तानी सेना के साथ है, ना पाकिस्तानी हुकूमत के साथ है। ये सारी इनकी गलत नीयत है, गलत नीतियां हैं। शिल्पा जी, भारतीय संस्कार, सभ्यता, संस्कृति में लिखा है, जो भी आदमी दूसरे के लिए खट्टा खोदता है वो खुद, बिल्कुल, सॉरी साहब, वो कहते हैं ना कि चलिए अगर आपकी नीतियां गलत है तो उसमें 19-20 हो सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी नीयत गलत है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ इस समय होता हुआ। बिल्कुल शिल्पा जी, जो इनकी गलत नीयत थी, नीतियां थी, आज इनको लेके डूब रही हैं। आज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान एक मजाक बन के रह चुका है। ना उनकी जुडिशरी, ना उनकी सेना, ना उनकी हुकूमत, ना उनकी आवाम, ना उनकी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ आमने सामने बातचीत करने को तैयार हैं, बस मार काट में लगी हैं। और ये सिर्फ तब होता है जब नीयत गलत होते हैं। आप देखिए, कुछ समय पहले तक, धारा 370 हटने से पहले तक, कश्मीर घाटी में मैं खुद 2 साल पटन में पोस्टेड था, बारामुल्ला के पास में, और कई दिन शिल्पा जी मेरी यूनिट से कॉन्वॉय नहीं निकल सकता था, क्योंकि वहां पे 6-7 दिन लगातार पथराव होता था फौजी गाड़ियों पे। आज जिस पाकिस्तान ने
भारतीय सेना की गाड़ियों में पथराव कराया कुछ साल पहले, आज उनकी गाड़ियों में पाकिस्तान में पथराव हो रहा है। तो कर्मा से बड़ी और क्या चीज है? अगर ये हम एग्जांपल देखें, जो कर्मा है वो पाकिस्तान को वापस मुड़ के काट रही है, और इतनी बुरी तरह से काट रही कि आज पाकिस्तान चार छोटे देशों के टूटने के कगार पे खड़ा हो चुका है। हाँ, यानी कि और ज्यादा उसका बेड़ा गर्क होता हुआ। झा साहब, कब समझेगा पाकिस्तान, या अंत करवा के ही मानेगा? देखिए, किसी एक सिस्टम को दोष सारा दिया जाए ये थोड़ा सा अनुचित होगा। पाकिस्तान का न्यायतंत्र एक ऐसा चीज है जो कि हम दशकों से जानते हैं कि वो कभी फ्री एंड फेयर नहीं रहा है। एग्जाम्पल हमारे सामने में है, हमारे जो जो एक्स नेवी पर्सन जो थे जाधव जी, कुलभूषण जाधव, उनके साथ में क्या हुआ हम जानते हैं। अमेरिकी जो एक जो मीडिया पर्सन था, जर्नलिस्ट था, उसका सरेआम गला काट के हत्या कर दिया गया, लेकिन उसका जो हत्या करने वाला था उसको वहां से सुप्रीम कोर्ट से भी उसको राहत मिल गई। तो वहां का जो न्याय तंत्र है हमेशा से फॉल्टी रहा है। दूसरी, आपने एक बड़ा सटीक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन आज के लिए। देखिए, आज के दिन में जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है कि वो पाकिस्तानी इकोनॉमी को, पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको ट्रैक पे रख सके, और वहां पे सबसे बड़ी चूक हो रही है। लेकिन हम लोग जो बार बार सेना को जो टॉप में डाल रहे हैं, आपको एक चीज याद रखना चाहिए, अगर सेना अगर जल्दीबाजी कुछ कुछ करती तो आज से एक साल पहले ही वहां पे मार्शल लॉ लग गया होता। लेकिन सेना ने बहुत संयम से काम लिया हुआ है कि इमरान खान इतना थू-थू करता रहा फिर भी सेना सह लिया। वहां के आईएसआई चीफ के पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जो टीवी चैनल्स है उसके ऊपर में आके, मीडिया के सामने में आके एक्सप्लेन करना पड़ा, ये पहली बार हुआ है, कभी नहीं हुआ था। तो सेना एक तरह से बहुत सह रही थी, लेकिन उसके सहने का भी एक कारण है, क्योंकि आज के दिन में अगर मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान और भी कंगाल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो जहां से भी उसको फंड्स आ रहे हैं वो फंड्स उसके सूख जाएंगे, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या कहीं भी से भी हो, वो सारी चीजें सूख जाएंगी, ड्राई ऑफ हो जाएंगी। तो सेना वहां की ये आज के दिन में ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो आखिर करे तो क्या करे। वही सेना है जो अपने नाक पे मक्खी कभी नहीं बैठने देती थी, और वो पिछले काफी महीनों से इमरान खान की, जो कि अब अपदस्थ हो चुके हैं, उसकी थू-थू सह रही है। तो वहां पे बहुत कुछ जो है वो सीधा अभी नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, वहां पे बहुत गंद है, और उस गंद से पाकिस्तान को उभरने में टाइम लगेगा। और अगर नहीं उभर पाया तो फिर वही पाकिस्तान के चार टुकड़े हैं, वो हम फिर आगे देखेंगे। पाकिस्तान चार टुकड़ों की तरफ बढ़ता हुआ, तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, अमिताभ कुमार जी, कुल मिलाकर। और देखिए जिस तरह के हालात है उस समय, लग नहीं रहा कि कोई आकर इंटरवीन करेगा या कोई समझाइश की बात करेगा। यहाँ तो सब एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारेगा तो एक बचेगा, लहूलुहान पूरा पाकिस्तान होता हुआ। वहाँ पे अभी कोई ना सर्वसम्मत एकमत मजबूत नेता भी कोई नहीं नजर आ रहा है। हाँ। जो स्थिति को संभाल सके। हाँ। शाहबाज खुद डरे हुए हैं, सेना भी डरी हुई है, इमरान की तो हालत ही खराब है। कोई और ऐसा नेता सामने नहीं दिख रहा है जो आ करके स्थितियों को संभाले। ये बहुत अच्छा मौका था जब शहबाज को सही राजनीतिक के ढंग से काम करते हुए चीजों को संभालने की कोशिश करनी चाहिए थी। इमरान के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी थी तो पूरे कानूनी तरीके से करते। अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है तो कोई बात नहीं, कानूनी तरीके से जमानत के खिलाफ अपील करते, जैसे भारत में होता है। बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिसमें कि सरकार जो चाह रही होती है उसके खिलाफ जो है कोर्ट निर्देश देता है, आदेश देता है, क्योंकि कोर्ट जो है उसको न्याय करना है, तो वो देखता है कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो अपना आदेश देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार जो है न्यायालय की आलोचना करने लगे और न्यायालय के खिलाफ कार्रवाई करने की सोचने लगे। वहाँ ये सब बातें हो रही हैं, इसलिए ज्यादा गड़बड़ हो रही है। कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से चीजों को जब संभालने की कोशिश आप नहीं करेंगे तो उपद्रव और बढ़ेंगे, हिंसा और बढ़ेगी,
और सब लोग अपने अपने एक वैसे भी वहां सामंती मिजाज अभी खूब चलता है, वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग ठेकेदार किस्म के वहां दादा लोग हैं जो कि अपनी राजनीति भी चलाते हैं और गुंडागर्दी भी चला रहे होते हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है इस वक्त, कोई मजबूत नेता नहीं दिख रहा है जो इन सब चीजों को वहां संभाल सके। और ये सबको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। अब भविष्य ही बताएगा कि आगे क्या होने जाएगा, क्योंकि एक हद तक इस पाकिस्तान पे जो अमेरिका है, अमेरिका का भी हाथ है वहाँ पे, चीन भी घुसा हुआ है, तो कुछ कहना मुश्किल है कि किस रास्ते पाकिस्तान जाएगा। तो अमेरिका और चीन वो भी तो नजर बनाए हुए है, उनकी तरफ से भी तो इंस्ट्रक्शंस होंगे। वो मैं रुक करना चाहूंगी, सोनी साहब आप विदेश मामलों के जानकार हो, वो किस तरह की स्थिति का वेट कर रहे हैं, किस बात के इंतजार में हैं? देखिए शिल्पा जी, अमेरिका और चीन ने ऑलरेडी बयान जारी कर दिया है कि वो पाकिस्तान में शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों के लिए जियोपॉलिटिकल नजरिए से बहुत ही अहम है। चीन ने पाकिस्तान में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट किए हैं सीपेक बनाने में, और अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान अहम है क्योंकि अफगानिस्तान में जो एपिसेंटर टेररिज्म का, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका हमेशा पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती करता है। लेकिन इस वक्त डायरेक्ट रोल ना अमेरिका ले रहा है ना चीन ले रहा है, क्योंकि वो दोनों देश जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, अगर उन्होंने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया तो ये सारे लोग उनके ऊपर झपट पड़ेंगे, सारा ब्लेम उन दो देशों पे आ जाएगा। तो ये अमेरिका और चीन दूर से देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ऑफिशियल बयान इश्यू कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हस्तक्षेप करने की ना उनकी मंशा है ना हिम्मत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने बर्बाद हो चुके हैं कि अगर ये दोनों देशों ने इन्वॉल्व किया तो इनके पास एक ही विकल्प होगा वहां पे अपनी सेना भेजने का, जो कि दोनों देश कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए ये दोनों देश दूर से बैठे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं और एक ऑफिशियल एक बयान इशू कर रहे हैं बस। ठीक है, कुल मिलाकर देखिए लोकतंत्र तो वहां सिर्फ एक दिखावा है, अल्टीमेटली सेना और उसकी साजिश का पूरा ताना बाना है, इंदुकांत दीक्षित ये माना जाए? जी शिल्पा जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और लोकतंत्र के नाम पे बार बार वहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस कई बार बने, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने संशोधन हुए, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में न तो लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं, न तो न्यायपालिका काम करती है, न एग्जीक्यूटिव काम करती है, न तो लेजिस्लेचर काम करता है। और भारत से रिश्ते की बात को लेकर के तो मैं बहुत सोनी जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि जिस बिना पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जिस तरह से लोगों को जब मताधिकार की बात किया अंग्रेजों ने जाते जाते तोड़ने के लिए देश को, उन्होंने मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, जहां बहुमत था मुस्लिम पॉपुलेशन का, उन्होंने भारत से अलग होने के लिए वोट किया, तो उनको यही गति प्राप्त होनी थी। देखिए जो जिस देश का खाया, जिस मिट्टी में पले बढ़े, उसी के खिलाफ आपने वोट दे करके और उसके खिलाफ आपने बिल्कुल घृणा के आधार पर जिस देश का निर्माण किया, वो कहाँ फलने फूलने वाला था। और आज जो उसकी गति है, इसमें भारत से किसी सहयोग की कई बार लोग बात करते उम्मीद करते हैं, मैं इस विचार का पक्का हूं कि किसी भी कीमत पर ऐसे देश के लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए और उनको उनके भाग्य पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, मौका देख करके जो पीओके का हिस्सा हमारा रह गया है, जो गिलगित बाल्किस्तान का हिस्सा रह गया है, उसको वापस लेने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे अक्साई चीन और ये सारी चीजें भारत के पास रिस्टोर हो सके। जी चलिए, ठीक है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट भी चाहूंगी कि आखिरकार पाकिस्तान में जो हो रहा है, किस तरफ पाकिस्तान को वो ले जाता हुआ, क्या इसका कोई अंत नजर आ रहा है, क्या ये बवाल थमता हुआ दिखाई दे रहा है, या पाकिस्तान की इस आग का हिंदुस्तान पर किस हद तक असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कह रही है पाकिस्तान की भविष्य की तस्वीर। अगर इस तरह के हालात वहां पर लगातार बरकरार रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसे में तमाम देशों की जो जिस पर जिनकी नजर बनी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, वो क्या करेंगे, उनका क्या रोल रहेगा, इसी पर आप सभी लोगों से फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले अमिताभ कुमार, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, हमें ये सूचना मिल रही है कि पाकिस्तान में इमरान को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के हालत बहुत बुरे हो जाएंगे, और निश्चित रूप से वो जो वहां पे जो है वो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान वाली जो बात है
वो हो ही जाएगी। पाकिस्तान के नेताओं को समझदारी से काम लेना चाहिए और संवैधानिक तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, अन्यथा जो टुकड़े टुकड़े वाली बात है वो साबित होकर रहेगी। यानी कि अमिताभ जी, लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म और तानाशाही वाले रवैये का वहां पर एक तरीके से इजाद होता हुआ ये तस्वीर इसी तरफ इशारा करती हुई। लोकतंत्र का पाकिस्तान में कभी मतलब नहीं रहा है। देखिए, वो धर्म के आधार पे बटा हुआ देश है और वहां पे संविधान कहने के लिए है ताकि दुनिया से उसको जो है इनायतें मिलती रहे। वो शरिया से चलने वाले लोग हैं, शरिया को भी पूरी तरह नहीं मानने वाले लोग हैं। यानी कि लोकतंत्र का जो दिखावा भी था वो भी खत्म होता हुआ, ठीक है, वो भी आग में जलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, आपका फाइनल कॉमेंट सर। मैं ये मानता हूँ शिल्पा जी कि पाकिस्तान को जब इच्छा हुई उनके हुक्मरानों को अपने ढंग के बना करके अमेरिका ने उपयोग किया और जो आज गति प्राप्त हुई है पाकिस्तान को इसके पीछे और जो हालात अफगानिस्तान में हुए कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ है। और ये देश सिर्फ वेट एंड वॉच करके देशों को ऐसे देशों को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। निकट भविष्य में पाकिस्तान में स्थितियां सुधरेंगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ की जनता को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो अपने ऊपर विचार करें और आने वाले समय में आज नहीं कल मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे पूर्वी जर्मनी के लोग। लेकिन सर वो कहते हैं ना कि जब पेट खाली हो तो बुद्धि भी नहीं काम करती, दीवार तोड़ कर। ऐसे में वहाँ के लोगों की लाचारी को समझा जा सकता है, जब हुक्मरानों को ही उनकी चिंता नहीं है तो भला वो करे तो क्या करे बेचारे। सिर्फ एक बात शिल्पा जी कि मेरा ये मानना है कि आज नहीं कल ऐसे हालात बढ़ते बढ़ते वहाँ की जनता खुद रहमान करके कहेगी हम हिंदुस्तान में ओरिजिनल हिंदुस्तान में वापस जाना चाहते हैं और वो दिन जल्दी ही आएगा। और इसी के साथ सर एक और पहलू पर जो मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ वो ये पीओके को लेकर। अब देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच पीओके को लेकर किस तरह की टकराव की स्थिति रही है हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या हिंदुस्तान को इस दिशा में अब सही समय है कदम उठाना चाहिए? देखिए भारत ने बिल्कुल बहुत क्लोज वॉच रखा है और जो बिल्कुल फिट टाइम होगा पीओके लेने की बात लगातार प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री ने तो हाल फिलहाल ही कहा है। और आपने देखा और जयशंकर जी ने कहा अभी एससीओ की मीटिंग में गोवा में कि भारत पाकिस्तान से तो कोई बात होनी है तो पीओके पे होनी है, वो क्या 370 और कश्मीर पे करेंगे। तो निश्चित तौर पे सही समय आने पर पीओके लेने की कार्रवाई भारत सरकार करने की तैयारी कर रही है जी। ठीक है बीएन झा साहब, फाइनल कमेंट आपका सर। जाते जाते पाकिस्तान के हालात, वहां की आग सुलगती ही रहेगी या फिर बुझने की भी कोई संभावना नजर आ रही है या फिर पूरी की पूरी वो आग पूरे मुल्क को अपने साथ ले डूबेगी? देखिए पाकिस्तान की हालत काफी नाजुक है लेकिन ये इस तरह से कंटिन्यू नहीं हो सकता। या तो फिर अमेरिका या चीन या फिर पाकिस्तान के जो कुछ बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे इराक और जो कुछ और इस्लामिक स्टेट्स हैं जो उनके काफी घनिष्ठ हैं, तो उनके हिसाब से अगर कुछ इनको हेल्प किया जाए, कुछ इनको मदद किया जाए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर स्टेट जो है वो अनस्टेबल हो जाए, वो जो जिहादियों के हाथ में चला जाए। भारत भी नहीं चाहेगा बिल्कुल, लेकिन भारत ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान की सहायता नहीं कर सकता। वहां की जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन है उनको खुद ही इससे उभरना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में कहीं न कहीं इन सबों की एक पहल होगी जिसमें कि वहां का जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि पाकिस्तान जो है उसके टुकड़े हो। तो इसी हाल में अभी कुछ दिन चलेगा, इमरान खान को लेके पाकिस्तान की स्थिति और खराब होगी, इमरान खान की अपनी जो सेफ्टी है वो वहां पे और खतरे में पड़ेगी क्योंकि मिलिट्री उसको वहां पे रहने नहीं देगी, या तो उसको पाकिस्तान से भागने के लिए मजबूर कर देगी या फिर उसके जान। लेकिन इनके बीच की सियासी लड़ाई किस तरह से पूरे मुल्क को आग में धकेलती हुई, पूरे मुल्क को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सॉरी साहब, फाइनल कमेंट आपका जाते जाते। शिल्पा जी, अगर इमरान खान पाकिस्तान में जिंदा रहा तो ये निश्चित है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा, क्योंकि पीटीआई और पीडीएम
दोनों के समर्थक सड़क पे उतर के आ चुके हैं, पाकिस्तान को एक ही चीज बचा सकती है, वो है यदि पाकिस्तानी सेना इमरान खान को मारने में सफल होती है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने जो 1971 में गलती की जब मुजीबर रहमान को उन्होंने जिंदा रखा, जिसकी वजह से बांग्लादेश में वहां के नाफिकों का आक्रोश बढ़ता रहा और फाइनली बांग्लादेश आजाद हो गया, इस बारी पाकिस्तानी सेना वो भारी गलती नहीं करेगी। दूसरी चीज, इमरान खान को मारने से पीटीआई में कोई सेकंड लेयर ऑफ कमांड कंट्रोल नहीं है, तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। यानी कि इमरान खान का ये डर कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें मारा जा सकता है, उन्हें पॉइजन दिया जा सकता है, सही है, दुरुस्त है? बिल्कुल आपने सही कहा, सारी चीज इमरान खान के जिंदे रहने पे अटकी हुई है। हाँ। अगर इमरान खान जिंदा रहा तो ये इलेक्शन जीत के वापस आएगा, अगर ये मारने में सफल हुए तो ये अपने आप को पाकिस्तानी सेना बचा पाएगी। क्या इसीलिए वहां की सरकार तुली हुई है, इस तरह से हाथ पैर मुंह धोकर पीछे पड़ी हुई है इमरान खान के, कि किसी तरह से एक बार गिरफ्तारी हो जाए उसके बाद तो हम देख लेंगे? बिल्कुल शिल्पा जी, तभी पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान पे आर्मी एक्ट 59 और 60 सेक्शंस के तहत केस किया, क्योंकि ये दो सेक्शन है पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के जो कि एक सिविलियन कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते हैं, और इन दोनों एक्ट्स की जो सजा है वो सजा है मौत है या उम्र कैद है। तो अगर ये सिविल कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिलती भी रही और पाकिस्तानी सेना इमरान खान पे ये मुकदमा चलाने में सफल रही तो ये निश्चित है कि इमरान खान को सजा मौत मिलेगी। ठीक है, कुल मिलाकर फिर तो इन हालातों में पाकिस्तान की ये आग बुझती हुई नजर आ नहीं रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पाकिस्तान का होगा क्या क्या नहीं, पाकिस्तान में ये जो सियासी आग लगी हुई है, ये जो आर्थिक आग लगी हुई है, इसका क्या हश्र होगा, किस तरह से जो पूरा पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगत रहा है उसे रिलीफ मिल पाएगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या फिर आगे हालात और ज्यादा क्रिटिकल होते हुए दिखाई देंगे, नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।